So here we are talking about the insulators in genomic imprinting. Now moving forward with the exact procedure of how this complete processes work out, that we will be going to see. Okay. So here in this case, what is generally going to happen? Yeah, just a second. Yeah. Yes, is the presentation visible to all of you? Yes, ma'am. Visible. Okay. Yes, ma'am. Yes. So here in this case, what is going to happen that whenever the chromosome is having a copies of or is getting the copies from both the genes which are getting from the parents, like जब एक single chromosome के पास दोनों ही parents की copies यहाँ पर आती हैं, like the maternal copy is also there and the paternal copy is also there. So उस कॉपीज में से या उसकी वर्किंग प्रॉपरली करने के लिए, उनका जीन एक्सप्रेशन जो है उसको प्रॉपरली वर्कआउट करवाने के लिए, यहाँ पर जो है एक जो कॉपी है उसको साइलेंस किया जाता है और जो दूसरी कॉपी है उसको एक्सप्रेस कराया जाता है. इस तरीके से जो है पूरी वर्किंग चलती है. सो अब इसका जो एक एग्जाम्पल है विच वी विल बी गोइंग टू स्टडी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन क्रोमोजोम नंबर 11. तो यहाँ पर ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 11 का हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं. सो अब यहाँ पर क्या होता है कि दो टाइप के जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है. एक है ह्यूमन H19 जीन जो कि डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाता है, डेवलपमेंट जो प्रोसीजर के लिए यूटिलाइज किया जाता है, और दूसरा है IGF2 जीन विच इज हेल्पिंग आउट इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड ऑल्सो हेल्पिंग द कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म इन देयर ग्रोथ. सो दीज कॉपीज ऑफ बोथ द जीन्स आर गेटिंग इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द मेटर्नल एंड द पैटर्नल जीन्स ऑन अ सिंगल क्रोमोजोम, दैट इज क्रोमोजोम नंबर 11. सो हियर इन दिस केस द इशूज शुड नॉट बी क्रिएटेड और द प्रॉब्लम शुड नॉट बी क्रिएटेड. सो बिकॉज ऑफ दिस वे एंड बिकॉज टू कोप विद इशूज विच कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम बोथ द जीन्स गेटिंग एक्सप्रेस्ड, so to cope up with the conditions and to carry out the gene expressions in a very proper manner, in a proper way, so here what will be going to happen, a copy of a single gene is getting silenced and the similar copy of the other gene is getting expressed. So yahan par ek copy ko jo hai silence kiya jata hai aur dusri copy ka jo hai expression yahan par karwaya jata hai. अब ये किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से किया जाता है. सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है कि एक जो सिंगल मतलब एक जो सेल है उसमें एक जो कॉपी प्रेजेंट है H19 की, सपोज वो मेटरनल क्रोमोसोम की तरफ से एक्सप्रेस हो रही है, सो वहां पर उसे एक्सप्रेस करवाया जाएगा और उसी सिमिलर क्रोमोजोम में जो सेम चीज की कॉपी जो है, सपोज वो H19 वाली जो सिमिलर कॉपी उसको पेरेंटल जीन की पैटर्नल जीन की तरफ से आ रही है, सो उस सिमिलर कॉपी को वहां पे ऑफ करवाया जाता है, उसका एक्सप्रेशन ऑफ किया जाता है. सिमिलर है IGF2 की केसेस में, अगर IGF2 की दोनों भी कॉपीज लाइक एक मदर से आ रही है एक फादर से आ रही है, सो उस केस में यहाँ पर क्या किया जाता है, IGF2 की पैटर्नल कॉपी को स्विच ऑन किया जाता है, उसका एक्सप्रेशन ऑन किया जाता है. सिमिलर वे में जो IGF2 की मैटरनल वाली कॉपी है उसका एक्सप्रेशन ऑफ किया जाता है, सो दैट H19 भी पर्टिकुलर ग्रोथ मतलब जायगोट को H19 भी मिले, उसके साथ साथ जायगोट डेवलपिंग जायगोट को IGF2 जीन्स भी मिले और यहाँ पे प्रॉपरली जो है उसको सारे जीन्स मतलब उसके डेवलपमेंट भी प्रॉपरली हो, ग्रोथ भी हो, इन्फ्लेमेशन प्रोसीजर्स के लिए भी यहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन किया जाए. क्योंकि अभी ये दोनों कॉपीज जो थी H19 और IGF2 दोनों भी मेटर्नल और पैटर्नल क्रोमोजोम से यहाँ पर आ रही थी, सो इस वजह से क्या किया गया, यहाँ पर एक जो कॉपी आ रही है दोनों भी पेरेंट्स से उसमें से एक कॉपी को यहाँ पे साइलेंस किया गया, दूसरी का एक्सप्रेशन करवाया गया. सिमिलरली IGF2 में भी ये चीज की गई कि जो पैटर्नल कॉपी है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर ऑन किया गया और यहाँ पर मैटर्नल कॉपी का एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर ऑफ किया गया. अब ये किस तरीके से होता है या कैसे यहाँ पर डिफरेंशियली मिथाइलेटेड डोमेन या इम्प्रिंटिंग इंसुलेटर कंट्रोल रीजन यहाँ पर हेल्प करता है,
ये पूरी प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए, इस पूरी प्रोसेसिंग और इस पूरी फंक्शनिंग को कैरी आउट करने के लिए वो हम देखते हैं। ओके, सो हियर इन दिस केस, यहाँ पर जो है इन्हांसर्स और इंसुलेटर्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरी प्रोसेसिंग और इस पूरी फंक्शनिंग को कैरी आउट करने के लिए। सो अब यहाँ पर क्या है, इन्हांसर्स जो कि मतलब अटैच्ड होते हैं एक्टिवेटर्स के साथ, हमने जब एक्टिवेटर्स पढ़े थे तब देखे थे कि इन्हांसर्स को हेल्प करते हैं एक्टिवेटर्स टू एक्टिवेट दिस और टू इन्हांस द कम्प्लीट प्रोसेसिंग ऑफ दिस genes or sequences. So here what these enhancers are going to do, here these enhancers can activate either of the two genes or the sequences which are present. Either it can activate the H19 or either it can activate the IGF2 gene. So here it activates only the H19 gene on the maternal chromosome. Okay, on the maternal side of the chromosome, it can activate only the H19 gene, not the IGF2 gene. Now, how this is going to happen and how these sequences or structures are going to be worked out in this entire procedure and in this complete processes? So here, what will be going to happen, that because here the role of insulators and its mechanism is going to completely work out. So, अब यहाँ पर इन्हांसर्स जो है पहले तो मेटरनल क्रोमोजोम में एक्टिवेट करेंगे H19 को, और यहाँ पर सिमिलरली इन्हांसर्स यहाँ पर एक्टिवेशन करते हैं पैटर्नल क्रोमोजोम के IGF2 जीन को। तो अब ये किस तरीके से होता है, सो यहाँ पर इंसुलेटर्स और मिथाइलेशन प्रोसीजर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। सो अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक रीजन या एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर्स जो है कंप्लीट प्रोसेसेस को ब्लॉक करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इंसुलेटर्स को एक्टिवेट करवाने के लिए या इंसुलेटर्स की एक्टिवेशन के लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उस सीक्वेंस का नाम है CTCF सीक्वेंस। ठीक है, अब लेकिन ये CTCF सीक्वेंस की जो एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पे इसकी एक स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि CTCF सिर्फ उसी सीक्वेंस पर जाकर बाइंड हो सकता है जहां पर मिथिल ग्रुप अटैच ना हो। ठीक है, CTCF इज हैविंग द एबिलिटी टू गेट बाइंडेड ऑन ओनली द सीक्वेंसेस विच आर अनमिथाइलेटेड। मिथाइलेटेड सीक्वेंसेस पर CTCF बाइंड नहीं होता, CTCF इज हैविंग द एबिलिटी टू गेटिंग बाइंड ऑन ओनली द अनमिथाइलेटेड सीक्वेंसेस और अनमिथाइलेटेड रीजन्स। सो दिस इज बेसिकली अ बाइंडिंग फैक्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज CCCTC बाइंडिंग फैक्टर। ओके, ये CCCTC जो है इसका सीक्वेंस है। अब ये जो है एक कंजर्व जिंक फिंगर प्रोटीन है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी से आप बोल सकते हैं। सो ये दोनों भी तरीके से वर्क करता है, एक तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरीके से भी वर्क करता है, रिप्रेसर की तरीके से भी वर्क करता है, और एक इंसुलेटर प्रोटीन की तरीके से भी वर्क करता है। तो बहुत सारे फंक्शन है CTCF के, बट यहाँ पर CTCF का फंक्शन क्या है, यहाँ पर CTCF का काम इतना है कि यहाँ पर CTCF जो है बाइंडिंग या अटैचमेंट दे रहा है कुछ ऐसे सीक्वेंस पे या ऐसे रीजन पे जहां पर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट ना हो। वो रीजन या वो जो कंप्लीट एक सीक्वेंस है डीएनए का वो अनमिथाइलेटेड होना चाहिए, तभी जो है CTCF उस पर आकर बाइंड हो सकता है। अब यहाँ पर CTCF प्रोटीन जिस जगह पर बाइंड होगा वहां के जो इंसुलेटर्स है वो एक्टिवेट किए जाते हैं। बिना CTCF के इंसुलेटर्स एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, इंसुलेटर्स एक्टिवेट नहीं करवाए जाते विदाउट CTCF सीक्वेंसेस। तो अब यहाँ पर क्या है, जो मेटर्नल क्रोमोजोम की जो कॉपीज है जो दोनों भी जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, सो यहाँ पर पहले ये जो H19 जीन है इसका एक्सप्रेशन तो यहाँ पर ऑन हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई सीक्वेंसेस या कोई प्रॉब्लम्स उसको यहाँ पर ऑब्वियसली फेस नहीं करने पड़े। लेकिन क्योंकि मेटर्नल क्रोमोजोम की IGF2 सीक्वेंस को या IGF2 जीन का एक्सप्रेशन यहाँ पर ऑफ करवाया जाना चाहिए, सो इस वजह से यहाँ जो ICRs हैं, दैट इज इम्प्लांटिंग कंट्रोल रीजन्स या जो DMDs प्रेजेंट यहाँ पे जो है, इट इज नॉट मेंशनड हियर बट हियर इट इज द प्रेजेंस ऑफ ICR इज देयर, दैट इज दिस इम्प्रिंटिंग कंट्रोल regions or the differentially methylated domains, these are present near this site. Okay, here.
ICR is going to be present here. So अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है CTCF bind हो सकता है. अब CTCF किस वजह से यहाँ पर bind हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर methylation नहीं है. This site is not methylated, it is unmethylated sequence. Now on this unmethylated region or on this unmethylated sequence, this CTCF is going to getting bind on this complete position on this site here on this ICR site. So here the CTCF being an insulator protein, it is going to activate the insulator, and as we all know that insulators function as enhancers blocker, so here these insulators will be going to block the functioning of these enhancers, and because the functioning of the enhancers are getting blocked by these things, so here the IGF2 gene expression cannot get switched on, okay, in the maternal chromosome. And in similar manner in the paternal chromosome, because we have switched off the copies of IGF2 gene, so here what we need to do, here we need to switch off the copies of IGF2 gene and again switch off the copies related to the H19 gene, because it is already get inherited from the maternal chromosome or the maternal sites. So here how it is going to happen, here in this condition the expression of H19 is automatically turned off, because here it is like nearby present, or here because of the methylation state, okay. So here because of the transcriptional machinery, here in this case cannot bind to the H19 promoter, and here methylation is there, so because of the methylation, the complete methylation is there, so because of that the transcriptional machinery cannot bind to this H19 region or H19 sequences. And here again what will be going to happen, here completely at this position, at this ICR region, because here methylation is there, as we all know that this CTCF cannot bind on the sequences which are methylated, okay. So CTCF needs to be for the binding of the CTCF, it is very important that the region should be unmethylated. And because the region or the sequences are unmethylated, here the way for the enhancer is free, because CTCF is not there, insulator cannot get activated. So here the enhancers are free to turn the expression of this IGF2 gene in on condition. And here it is getting it is switching off the H19 gene, because H19 gene expression and the machinery, transcriptional machinery, cannot bind it on the methylated sequences. And because of that, the expression of the H19 is getting turned off in this condition. So because of this, the zygote which is developing, or the individual which is getting copies of both the, like which needs the copies from both the maternal and the paternal chromosome. So here it is getting both the copies, that is, it is also getting H19 on chromosome number 11 and also IGF2 gene on chromosome number 11, which is getting inherited from the mother as well as from the paternal site of the chromosome. So this is how the insulators and the procedures of methylation is going to carried out, or it is going to helping out in this complete genomic imprinting phenomenon. So this is how the complete procedures are working. The gene expressions of IGF2 and H19 gene is going to be regulated. H19 is getting repressed here in this condition. Sorry. So H19 is getting repressed in this condition because of the the complete binding of the methyl group on the complete methylated sites of the insulators and all of that. So because of that, the expression here of H19 is getting on, and also the expression of IGF2 gene is getting on here in the case of paternal site of chromosome. And since the individual is getting both the copies, like it is also getting the H19 and it is also getting IGF2 gene, it is not showcasing, or it is not causing any errors in their development, because the developmental gene is also there and the growth or inflammation gene is also there in the particular individual which is going on. And since the copies of the similar chromosomes or the similar things are getting turned off, it is not at all causing any issues or any errors on the chromosome number 11. So this is how the insulator sequences, the silencing sequences, and the methylation sequences are going to helping the complete chromosomes in carrying out their entire processing and carrying out their entire function. So this is how the genomic imprinting procedure is going to work out in causing the differentiation between the genes which are inherited from both the parents, by turning the expression of a single gene on and the expression of the similar gene from the parent off, and in a similar manner turning the expression of another gene on from the paternal side and turning the gene similar gene
origin of on the maternal side, so that it can get both the copies and there should not be any error in getting the copies. So this is how the genomic imprinting is going to work out. So is that clear to all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes, everyone, is that clear to all of you? Yes, ma'am. Yes. Is anybody having any doubt, any query, any question? अब क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम में जो भी मेटरनल और पैटर्नल साइड्स से जो है वो सेम जीन्स आ रहे थे, तो इस प्रोसेस को चलाने के लिए, इस प्रोसेस को वर्क करने के लिए, सो दैट जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या जो डेवलपिंग जायगोट है उसमें दोनों भी कॉपीज आए और उसमें कोई इश्यूज भी ना क्रिएट हो, कोई एरर्स भी ना क्रिएट हो, सो इसलिए जो है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का यूटिलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है. अब दो तरीके के जीन्स यहाँ पर है, दोनों के कॉपीज सेम मेटरनल में भी प्रेजेंट है, पैटर्नल में भी प्रेजेंट है. यहाँ पे देखिए मेटरनल में भी प्रेजेंट है और पैटर्नल में भी यहाँ पर सेम कॉपी प्रेजेंट है. अब ये दोनों भी अगर ऑन करवाए गए तो ये जो है आगे चल के एरर्स या इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इन दोनों में से एक का एक्सप्रेशन ऑफ किया जाता है और दूसरे का एक्सप्रेशन ऑन किया जाता है. अब यहाँ पर जो मेटरनल साइट है या मेटरनल जो सीक्वेंसेस है जो कि डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर H19, सो यहाँ इसका एक्सप्रेशन ऑन करवाया जाता है मेटरनल साइट. ठीक है, अब ये जो इनहांसर्स हैं H19 के एक्सप्रेशन को यहाँ टर्न ऑन कर रहे हैं, बट इस सिमिलर साइट पर ही कौन प्रेजेंट है, एक और दूसरा जीन जिसका नाम है IGF2. सेम, दोनों में भी सेम सीक्वेंसेस यहाँ पर इनहेरिट करे गए, सेम प्रेजेंट है. अब इसका भी सेम वही रीजन होना चाहिए कि इसमें से एक कॉपी जो है वो टर्न ऑन करनी चाहिए और दूसरी कॉपी टर्न ऑफ होनी चाहिए. अब यहाँ पर क्योंकि H19 ऑलरेडी स्विच्ड ऑन है, सो यहाँ पर जो ICR रीजन प्रेजेंट होता है, दैट इज इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन, जो इम्प्रिंटिंग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है. अब ये रीजन जो है मेटरनल साइड पे या मेटरनल क्रोमोसोम्स में जो है मिथाइलेटेड नहीं है. अब मिथाइलेटेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मिथाइलेशन प्रेजेंट नहीं है इस पोजीशन पे. अब जब यह मिथाइलेटेड नहीं होता है सो इस पोजीशन पर यहाँ पर CTCF आसानी से बाइंड हो सकता है. CTCF एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि एज अ एक्टिवेटर, रिप्रेसर और एज अ इंसुलेटर प्रोटीन वर्क कर सकता है. जब CTCF प्रेजेंट होगा तब इंसुलेटर्स एक्टिवेट होते हैं, मतलब इंसुलेटर अपनी फंक्शनिंग प्रोसेसिंग कर सकते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर मिथाइलेशन नहीं है तो CTCF बाइंड होगा और इंसुलेटर जो है एक्टिवेट कर लिए जाएंगे. अब क्योंकि इंसुलेटर जो है ऑलरेडी इनहेंसर ब्लॉकर होते हैं, सो यहाँ पर इंसुलेटर जो है कंप्लीट प्रोसेसिंग को ब्लॉक कर देंगे इनहेंसर की, और इस वजह से IGF2 जीन का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर टोटली ऑफ हो जाता है. अब पैटर्नल क्रोमोसोम में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो H19 जीन प्रेजेंट है, H19 जीन को पूरी जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है जो कि स्विच ऑन कर रही थी यहाँ पर, उस पर यहाँ पर ऑलरेडी मिथाइलेटेड ग्रुप्स या मिथाइलेटेड रीजन्स प्रेजेंट है. अब H19 की जो मशीनरी है या H19 को एक्टिवेट करने वाली मशीनरी मिथाइलेटेड रीजन्स पर बाइंड नहीं हो सकती, इसलिए H19 का एक्सप्रेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया. अब यहाँ जो ICRs प्रेजेंट है जिनके पास इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन्स है, सो यहाँ पर ये जो है मिथाइलेटेड होते हैं. ठीक है, मिथाइलेटेड हो गए ये. अब क्योंकि मिथाइलेटेड है तो अब मिथाइलेटेड रीजन्स पर CTCF बाइंड नहीं हो सकता, तो CTCF यहाँ पर बाइंड नहीं होगा, और क्योंकि CTCF बाइंड नहीं होगा इंसुलेटर्स भी जो है एक्टिवेट नहीं होंगे. तो इनहांसर्स को यहाँ पर पोजिशन, इस पोजिशन पर ब्लॉक करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है इनहांसर्स अपनी एक्टिविटीज, अपनी ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को एक्टिवेट कर सकते हैं, सो दैट इट कैन टर्न ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस IGF2 जीन विच इज एसेंशियल एंड विच इज नेसेसरी फॉर द इन्फ्लेमेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर organism. So this is how this complete procedure of genomic imprinting is going to work out in a particular individual. So now is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, everyone, is that clear to you? Yes, ma'am. All right.
So yes, I have posted the question for the attendance. If in case you don't have any questions and any doubts, then you can mark your attendance and you can leave the meeting. Thank you so much, everybody. I'll see you all tomorrow. Have a nice day and take care of yourselves. Ma'am? Yes? Ma'am, assignment second, question second, and describe detail about regulation of amino acid. Yeah. उसमें क्या लिखना है मुझे वो समझ नहीं आ रहा है because we have studied only one amino acids regulation that is regulation of tryptophan right okay हाँ only one amino acid is there in our syllabus related to the gene expression or the operon related thing that is tryptophan and since tryptophan is an amino acid we need to write operon related to the tryptophan and also the attenuation regulated controller attenuation mechanism of how the complete processing tryptophan is going to work out whenever the attenuation phenomenon is there so that is you need to write in your question in your assignment okay all right okay